आज हम बात करने वाले हैं 2009 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी आफ्टर लाइफ की। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एलियट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि मरे हुए लोगों के फ्यूनल को तैयार करने का काम किया करता था ताकि वो लोग अपने अंतिम संस्कार पर अच्छे से दिख सकें। जिस तरह एलियट उन डेड बॉडी से बात करता था और उन्हें एक दोस्त की तरह प्यार से रेडी करता था, उससे हमें ये समझ आता है कि एलियट कई सालों से ये कर रहा है। एना जो कि एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है और अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ रहती है, इन तीनों की लाइफ एक दूसरे से कैसे जुड़ती है जब एना जिंदगी और मौत के बीच एक इंसिडेंट की वजह से फंस जाती है। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि एना और पॉल इंटीमेट हो रहे होते हैं। अब पॉल तो इस चीज को एंजॉय कर रहा था लेकिन एना इसे बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी। पॉल एना से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एना उसे कुछ भी नहीं बताती। एना एक प्राइमरी स्कूल में टीचर होती है और यहाँ पर एक जैक नाम के बच्चे से इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन जैक का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना अपने स्कूल में काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है। स्कूल खत्म होने के बाद में एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनल में जाना था और वो तभी यहाँ पर जैक को बाहर देखती है। एना उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन जैक उससे कहता है कि नहीं, मेरी माँ मुझे लेने आ रही है। अब इसके बाद एना मेडिकल पर पहुंचकर कुछ मेडिसिंस लेती है और साथ ही वो एक पार्लर में जाकर अपने बालों को रेड कराती है और उसके बाद अपने पियानो टीचर के फ्यूनल में जाती है। और एना को यहाँ पर भी काफ़ी अजीब फील हो रहा था, जैसे कि उसका पियानो टीचर सांस ले रहा हो। अब क्योंकि यहाँ पर एलियट भी होता है और वो एना को ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देख लेता है। शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे डिनर पर इनवाइट करता है और आज वो डिनर पर एक रिंग लेकर आया होता है क्योंकि वो एना को प्रपोज करने वाला था। पॉल यहाँ पर एना से कहता है कि मैं जल्द ही शिकागो जाने वाला हूँ। इसके बाद बातों ही बातों में इनमें दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और एना पॉल की बातें सुने बिना यहाँ से चली जाती है। अब बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और एना अपनी चलती गाड़ी में अपना फ़ोन निकाल कर एक नंबर डायल करती है और तभी चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, यानी कि अब एना का एक्सीडेंट हो चुका है। अब अगले सीन में हमें एलियट को दिखाया जाता है जिसके पास में एक नई बॉडी आई होती है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि खुद एना की ही होती है। एलियट एना के कपड़े एक कैंची से काटता है और उसके अंदर एना ने एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। एना के सर पर एक गहरा घाव बना होता है और तभी यहाँ पर एना की आँखें खुल जाती हैं। वो एलियट से पूछती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर एलियट उसे बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मर चुकी हो। लेकिन यहाँ पर एना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है क्योंकि वो एलियट से बोल भी पा रही थी और उसे सुन भी पा रही थी। इसके बाद एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। वो एना से कहता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनल है और वो उससे कहता है कि तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी में ही रहेगी और जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तब वो चली जाएगी। अब एलियट एना से बातें कर पा रहा था क्योंकि उसके पास शक्ति होती है कि वो जिंदगी और मौत के बीच फंसी आत्माओं से बात कर सकता है और यहाँ पर एलियट ऐसा ही होता है जो कि एना को सुन सकता है। इसके बाद एलियट वहाँ से चला जाता है, लेकिन एना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो सोच रही थी कि ये बस उसका एक डरावना सपना है। दूसरी तरफ हमें पॉल को दिखाया जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि एना मर चुकी है। वो एना के नंबर पर कॉल करता है लेकिन एना का फ़ोन एलियट के पास होता है और वो पॉल के फ़ोन को कट कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉल एना के घर पर पहुंचता है जहां पर उसे उसकी माँ से पता चलता है कि एना की डेथ हो गई है, जिस पर पॉल को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन यहाँ पर एना की मॉम एकदम नॉर्मल दिख रही थी, जैसे उसे इस बात का कोई दुख ही ना हो। दूसरी तरफ हमें एलियट को दिखाया जाता है जो कि एना की बॉडी को फ्यूनल के लिए तैयार कर रहा था और वो एना के घाव को टांके लगा रहा होता है, लेकिन एना को इसका बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद एलियट एक इंजेक्शन एना के गले पर लगाता है ताकि उसकी बॉडी के मसल्स एकदम रिलैक्स रहें। इसके बाद एना की मोम उसे देखने के लिए आती है और वो यहाँ पर आकर कहती है कि जाने वाला तो चला जाता है लेकिन उसके जाने से जो दुख उसकी फैमिली को होता है वो खुद भी नहीं समझ सकता। और साथ ही वो यहाँ से जाते हुए ये भी कहकर जाती है कि एना के बाल फिर से ब्लैक कर दिए जाएं क्योंकि एना इन लाल बालों में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है। अब इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि एलियट के पास जाता है ताकि वो एना की बॉडी को देख सके,
लेकिन एलियट उसे एना के पास नहीं जाने देता क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही बॉडी से मिल सकते थे और अभी पॉल की एंगेजमेंट भी एना के साथ नहीं हुई थी। लेकिन पॉल की आवाज़ सुनकर एना अपनी जगह से उठ जाती है और वो पॉल को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ पॉल तक नहीं पहुँचती। अब इसके बाद जब पॉल चला जाता है तब एना एलियट से पूछती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। एलियट एना से कहता है कि तुम्हारी आत्मा जल्द ही तुम्हारा शरीर छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम अपने चाहने वालों से अटैच रहोगी तो तुम्हारी आत्मा यहीं पर फंस कर रह जाएगी। एना को यहाँ पर लगता है कि एलियट बकवास कर रहा है और मैं अभी भी जिंदा हूँ, शायद उसने मुझे कोई ड्रग दिया है जिससे कि वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ पॉल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और उसका दोस्त एक पुलिस ऑफिसर होता है। पुलिस उससे एना से मिलने की परमिशन मांगता है लेकिन उसे मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एना अकेली होती है और वो एक कैंची उठाती है और आगे बढ़ती है और तभी वो यहाँ पर एक दूसरी डेड बॉडी को देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वो एलियट के आने का इंतज़ार करती है ताकि वो उसके ऊपर हमला करके यहाँ से भाग जाए, लेकिन एलियट एना के हमले से बच जाता है और वो एना को फिर से बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है, लेकिन एना ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी क्योंकि उसकी अभी भी सांसें चल रही होती हैं। अब यहाँ पर रात में एना एक सपना देखती है जिसमें वो उसी डेड बॉडी को देख पा रही थी जो कि उसके बराबर में थी, लेकिन अब एना तो मर चुकी है तो फिर वो सपना कैसे देख सकती है। और उसके बाद यहाँ से उठती है और सभी को इधर उधर फेंक देती है और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसे कि काफ़ी अजीब सपना आता है जिसमें कि एना अपनी बॉडी से अपना दिल निकाले हुए थी और ये देखकर पॉल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब दूसरी तरफ हमें एलियट को दिखाया जाता है जो कि एना के पास होता है और वो अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन एना उसकी जेब से चुपके से रूम की चाबी निकाल लेती है और उसके बाद एना सीधे एलियट के ऑफिस में पहुंच जाती है जहां से वो पॉल को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि मैं अभी तक जिंदा हूं। लेकिन पॉल को लग रहा था कि कोई एना बनकर उसके साथ मजाक कर रहा है और इसलिए वो फोन को कट कर देता है। अब इस चीज से एना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और तभी यहां पर एलियट भी पहुंच जाता है। एलियट एना को आईने में दिखाता है और वो उससे कहता है कि देखो तुम मर चुकी हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी मौत को स्वीकार करो। लेकिन एना नोटिस करती है कि उसकी सांसों से आईने पर भाप जम चुकी है जिसे कि एलियट चुपके से साफ कर देता है। अब यहाँ पर नीचे एना का वही फेवरेट स्टूडेंट जैक खड़ा होता है और वो यहाँ पर एना को देख लेता है। एना अब ये बात मान लेती है कि वो मर चुकी है इसलिए वो एलियट का साथ दे रही थी। आगे एलियट एना के रेड बालों को फिर से ब्लैक कर देता है। अब इसके बाद एना सपने में पॉल को देखती है लेकिन वहां पर एलियट होता है। अब एना एलियट से पूछती है कि क्या मेरी मॉम मेरी डेथ पर रोई थी, जिस पर एलियट एना को बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी डेथ पर बिल्कुल भी नहीं रोई। इसके बाद एना एलियट से पूछती है कि क्या पॉल मेरी डेथ पर रोया था, लेकिन यहाँ पर एलियट उससे झूठ कह देता है कि पॉल भी नहीं रोया था। और अब ये बात सुनने के बाद एना बहुत ज़्यादा दुखी होती है और इसके बाद एलियट उसे एक ड्रग का इंजेक्शन दे देता है। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल में पहुंचता है जहां पर वो उसकी चीज़ें लेने के लिए गया था। स्कूल में उसे जैक मिलता है जो कि पॉल को बता देता है कि उसने एना को फ्यूनरल होम में रेड ड्रेस में खड़ा हुआ देखा था, लेकिन पॉल को ये बातें सारी बकवास लगती हैं और वो उल्टा जैक को ही एक थप्पड़ मार देता है जिस पर उसे बाद में काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी होता है। एना के पास एक नई बॉडी आती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के भाई की है। वो पुलिस ऑफिसर एना की बॉडी को हिलते हुए देख लेता है, पर जब वो एना की हार्ट बीट चेक करता है तो सोचता है कि उसका ये भ्रम था। वहीं पॉल एक बार और कोशिश करता है पुलिस की मदद लेने की, ये कहकर कि सिर्फ पल्स चेक करके एना को डेड बताया गया था और ऐसा एक ड्रग भी है जो कि कुछ देर के लिए इंसान का पल्स रोक देता है। एक बार को उसका दोस्त कन्विंस हो जाता है, पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि उसने चेक किया था, एना की हार्ट बीट नहीं चल रही थी ये सब के बाद पॉल बुरी तरह से टूट जाता है। जैक जो मौत के कॉन्सेप्ट में काफी इंटरेस्ट लेता है वो एलियट से प्रभावित हो जाता है। वो उसके पास मौत के बारे में चीजें सीखने जाता है। तब एलियट उसे एक बात कहता है जो उसके दिमाग में रह जाती है। वो कहता है कि मैं मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करता हूँ, वो लोग जो अंदर से मर चुके हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग हमारे आसपास गंदगी फैलाते हैं और उस ऑक्सीजन को वेस्ट करते हैं जो उन लोगों के लिए हैं जो सच में जीना चाहते हैं। अब एना जो रिग्रेट और गिल्ट में है और ये सोच रही है कि वो अगर जिंदा होती तो अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जीती, वो एलियट को कहती है कि वो भी खुशी से जीना चाहती थी। एलियट कहता है कि उसकी लाइफ में प्यार करने वाले लोग थे मगर वो फिर भी खुश नहीं थी, तो वो कहती है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास है। एलियट उसे कहता है कि अगर उसे दूसरा मौका मिले जीने का तो वो क्या करेगी, और इसके बाद वो उसे रूम के बाहर ले जाता है, जिसके बाद वो एक हेलुसिनेशन से डरकर वो फिर से उस रूम में आ जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि वो मर गई।
अवेना ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया और फ्यूनर के लिए तैयार हो जाती है, पर तभी वो मिरर के रिफ्लेक्शन में अपनी सांसों को देखती है और उसे रियलाइज होता है कि वो जिंदा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एलियट उसे बेहोश कर देता है और उसका फ्यूनरल खत्म हो जाता है। पॉल इससे पूरी तरह से टूट गया है और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। एलियट फ्यूनरल के बाद उसे मूव ऑन करने के लिए कहता है, पर वो नहीं सुनता। तभी एलियट कहता है कि एना जिंदा है और पॉल को उसके पास जाने के लिए कहता है। पॉल सिमेट्री में पहुंचता है और एना को बचा लेता है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पॉल आंखें खोलता है तो वो एलियट के बेसमेंट में होता है और ये सब उसका एक हेलुसिनेशन था। पॉल कभी सिमेट्री में पहुंचा ही नहीं था। रास्ते में एलियट ने उसका एक्सीडेंट बिल्कुल वैसे ही करवा दिया था जैसे एना का करवाया था, और ये सब कुछ वो पॉल को बताता है। वो पॉल को ये भी बताता है कि वो अंदर से मरे हुए लोगों को एक और मौका देता है जिंदगी जीने का, और देखना चाहता है कि वो चेंज होते हैं या नहीं। और जब वो चेंज नहीं होते तो एलियट उन्हें मार देता है, और ये ही अब वो पॉल के साथ करने वाला है। एलियट पॉल को अपने पूरे प्रोसेस के बारे में बताता है, कैसे उसने ड्रग्स देकर उन दोनों को मरा हुआ दिखा दिया और कैसे हेलुसिनेशन क्रिएट किया। ये सब बताने के बाद वो पॉल को भी फ्यूनरल के लिए तैयार करता है, और जैक जो एलियट से पूरी तरह से प्रभावित है ये सब देख रहा है, और शायद फ्यूचर में वो भी शायद एलियट जैसा ही एक सीरियल किलर बन जाएगा। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।